सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट का डॉट है कि सर मेरा एसएससी में इतना रैंक है, बीसी में इतना है, एसटी में इतना है, ईबीसी में इतना है, ईडब्ल्यूएस में इतना है, यूआर में इतना रैंक है, सर क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा, सर क्या मेरा एडमिशन हो सकता है सर गवर्नमेंट कॉलेज में, इस बार हो सकता है या नहीं हो सकता है, सर रैंक कार्ड कैसे चेक करें, सर कितने रैंक के अंदर में रहेंगे तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा सर। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ बता देता हूं। सर पिछले 2 सालों से मैं काउंसलिंग एक्सपर्ट हूं, मैं प्रत्येक साल 2000 से 3000 काउंसलिंग करता हूं और इस बार भी करने वाला हूं। तो मैं जो भी बताऊंगा एक्यूरेटेड कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर इस इतना रैंक के अंदर आपका रहता है तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप ओपन रैंक चेक करिएगा। अगर आप एनएम जीएनएम सारे कोर्स के लिए इस बार आपको ओपन रैंक ही देखना है, वोमेन रैंक का कोई मतलब नहीं है, बस वो देखने के लिए है। ओपन रैंक से ही कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज मिलेगा। तो चलिए आप अपना ओपन रैंक चेक करिएगा। अगर आप एनएम नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका यूआर में 17000 रैंक तक है, हो जाएगा। बीसी कैटेगरी 8000 होना चाहिए, अगर 8000 से ज़्यादा है तो उसको क्या करना है उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिनका बहुत ज़्यादा रैंक है। अभी फिलहाल इतना जान लो कि अगर आपका यूआर में 17000 रैंक है तो आपको एनएम का गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, बीसी कैटेगरी में 8000 तक मिल जाएगा, ईबीसी में 6500 तक सरकारी कॉलेज मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में 2100 रैंक तक मिल जाएगा, एससी कैटेगरी में 3400 रैंक तक मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, एसटी कैटेगरी में 80 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी कॉलेज मिलेगा, डीक्यू कोटा में 1500 रैंक तक, डीक्यू कोटा में 1500 रैंक तक सरकारी कॉलेज मिलेगा, आरसीजी में 8500 रैंक तक, आरसीजी में कितना रैंक तक, 8500 रैंक तक आरसीजी में आपको गवर्नमेंट कॉलेज एनएम का मिलेगा। ये एनएम का कट ऑफ है, ध्यान देना ये एनएम नर्सिंग का कट ऑफ है। अगर इसके अंदर में आपका है, अगर आपका एससी कैटेगरी है तो अपना ओपन रैंक चेक करो, 3400 के अगर अंदर है तो आपको एनएम नर्सिंग मिल जाएगा, एसटी कैटेगरी है तो 80 के अंदर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो 2100 के अंदर होना चाहिए, ईबीसी है तो 6500 के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यूआर है तो 17000 के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं सर जी। और अब है बॉयज गर्ल्स, वैसे कोर्सेस जैसे डीएमएलटी है, ओटी है, एक्सरे है, फिर आपका फार्मेसी है, ओटी हो गया ना, फिर एनेस्थेसिया टेक्नीशियंस है, ईसीजी टेक्नीशियंस है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, डेंटल है, फिर आपका फिजियोथेरेपी है, बहुत सारा कोर्स है सर। तो ये सारे कोर्सेस के लिए जो कि लड़का लड़की सब कर सकता है, देखिए एनएम नर्सिंग सिर्फ लड़की कर सकती है, एनएम नर्सिंग सिर्फ लड़की कर सकती है, पर बाकी जो कोर्सेस है वो लड़के एवं लड़कियां दोनों कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूआर में 9000 देखना है ओपन रैंक में। अगर आप ये सारे कोर्स करना चाहते हो, जो भी मैंने कोर्स आपको बताया, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, एक्सरे, एनेस्थेसिया, फिजियोथेरेपी, डेंटल, एनेस्थेसिया, जो भी कोर्स मैंने बताया, बहुत सारे कोर्सेस है सर, फिर आपका प्लास्टर वाला है, बहुत सारा है, आई वाला, डेंटल वाला है, तो ये सारे कोर्स के लिए आपको इतना रैंक होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों करेगा, 9000 रैंक तक है ओपन में, तो ये कोर्स आपको मिल सकता है आसानी से। बीसी कैटेगरी में 5000 तक का हो सकता है, ईबीसी कैटेगरी में 4500 रैंक तक है आपका हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 1300 रैंक तक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी कॉलेज मिलेगा, एससी कैटेगरी में 3500 रैंक तक है तो आराम से हो जाएगा, एसटी कैटेगरी में 60 रैंक तक आराम से हो जाएगा, डीक्यू कोटा में 500 रैंक तक, और आरसीजी में आपका नहीं होना चाहिए, आरसीजी बॉयज का नहीं होता, पर अगर आरसीजी से आते हैं, अगर आप गर्ल्स है ये सब कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 8500 रैंक तक एनए मिल रहा है, तो इसको समझ लो 6500 रैंक अगर रहेगा आपका 6500 आरसीजी में तो ये सारा कोर्स मिल सकता है। आगे देख लेते हैं जीएनएम, जीएनएम जो कि पैरामेडिकल का सबसे बेस्ट कोर्स, सबसे डिमांडिंग कोर्स, सबसे फ्यूचर स्कोप कोर्स, इसी के लिए सबसे ज्यादा मार होता है जीएनएम के लिए। जीएनएम हर किसी का सपना होता है सर, जीएनएम नर्सिंग का। तो इसके लिए आपको कितना रैंक चाहिए समझिए, यूआर में आपका 2900 रैंक होना चाहिए, कितना 2900 रैंक, बीसी कैटेगरी में 850 रैंक होना चाहिए, ईबीसी रैंक में 1120 रैंक होना चाहिए, कितना 1120, ईडब्ल्यूएस में आपका 460 रैंक होना चाहिए, एससी कैटेगरी में आपका 900 रैंक होना चाहिए, एसटी में 58,
DQ कोटा में 150 रैंक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। RCG में आपका 250 रैंक होना चाहिए, इतना रैंक है तो आपको GNM नर्सिंग मिल जाएगा। फिर से एक बार UR रैंक में 2900 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BC कैटेगरी में 850 से ज़्यादा है तो फिर आपको NM मिलेगा, दूसरा कोर्स मिलेगा। अगर आप GNM नर्सिंग ही करना चाहते हैं तो 850 के अंदर में रहेगा तो GNM मिलेगा, इससे ज़्यादा है तो दूसरा कोर्स मिल जाएगा आपको। चलिए EBC में 1120 तक मिल जाएगा, EWS में 460 तक मिलेगा। थोड़ा सा पानी पी लें। EWS में आपका 460 रैंक है, 460 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। SSC में 900 रैंक तक मिलेगा, पर ध्यान देना है ये GNM नर्सिंग का स्पेशल बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनका BC कैटेगरी में 7000 है उनको नहीं मिलेगा, मिलेगा 7000 वाले को मिलेगा, पर वो दूसरा कोर्स मिलेगा। ये स्पेशल GNM का बता रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जिनको GNM नर्सिंग चाहिए उनको इतना रैंक होना चाहिए। एक बार फिर से देख लो, तो मैंने तीनों कोर्स का बता दिया, GNM का, NM का और बाकी जो OT, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियंस बाकी का है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, सर मुझे टॉप कॉलेज मिलेगा, सर मुझे फार्मेसी मिलेगा, सर मुझे OT मिलेगा, तो ये सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप करके आप अपना रैंक कार्ड चेक करवा सकते हो। कैसे चेक करवाना है तो आपको व्हाट्सअप कर लेना है 9153765065 पे। आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर लेना है 8757463732 पे मैसेज कर लेना है। 32 है ये, 32 पे मैसेज करना है। आगे है आपका 95, ये तीनों नंबर व्हाट्सअप है, तीनों नंबर व्हाट्सएप है। अगर आपको हमसे बात करनी है पर्सनली, कोई डॉट है तो इस पर व्हाट्सएप करिए, इस पर कॉल भी है और व्हाट्सएप भी है। और बाकी जो दो नंबर मैंने बताया वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप सुविधा मिलेगी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तुरंत के तुरंत इस नंबर पे कॉल करिए, बात करिए, किसी भी प्रकार की कोई डॉट है अपना डॉट क्लियर करवाइए। चलिए ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सारे स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा जो भी इस वर्ष एग्जाम दिए, ताकि वही अपना कट ऑफ मिला लें, उनको इस वर्ष एडमिशन सरकारी कॉलेज में होगा कि नहीं होगा वो भी अपना चेक कर लें। धन्यवाद।